हेलो गाइस, स्वागत है मेरे आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो होने वाली हमेशा की तरह शानदार, मज़ेदार, किल वाली और रिंग पुश वाली। तो हम उतार रहे हैं यहाँ पे रश टाउन पे। सो अभी देखेंगे गाइस क्या ही बंदे हमें मिलते हैं और क्या ही नहीं मिलते हैं। बट गाइस वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखें। क्योंकि गाइस मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ, बट गाइस बन सकता हूँ आपकी वजह से। सो भी गाइस इस डब्बे को खोलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। बट यहाँ पे मिनी मिली और मेडिकेट मिली है, जो कि मैं नहीं चलाता हूँ मिनी को। यहाँ पे लेवल वन का हेलमेट मिला है। और ये गाइस यहाँ पे देखा जाए तो हमारे टीममेट्स कुछ मर चुके हैं। तो एक टीममेट मरा है तो उसको रिवाइव दे देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 800 टोकन है तो मैंने उसको रिवाइव दे दिया है। और यहाँ पर गाइस मेरा एक और टीममेट डाउन हो चुका है तो वो भी मरेगा तो मैं उसे रिवाइव दे दूँगा। सो वो भी मर चुका है तो मैं उसे भी रिवाइव दे देता हूँ। और फिर यहाँ से निकलना भी मेरे को पड़ सकता है, मतलब पड़ेगा ही। तो गाइस यहाँ पर से मैंने अब थोड़ा बहुत लूट के और यहाँ से निकल जाता हूँ। और गाइस यहाँ पे कार पड़ी तो मेरे बंदों के पास चला जाता हूँ। एक और बंदा पिट चुका है मेरा, बट मेरे पास टोकन नहीं है। सो अभी तो फ़िलहाल मैं उनके पास चला जाता हूँ। और यहाँ पर गाइस मैं हैवी ड्राइवर हूँ, सो काफ़ी तगड़ी कार चला लेता हूँ। तो अभी मैं उन्हीं बंदों के पास जा रहा हूँ, मेरे ही बंदों के पास। तो देखेंगे गाइस बंदे क्या ही कर रहे हैं और क्या ही नहीं। तो गाइस बंदे के पास बंदा है, मतलब मेरे बंदे के पास एक बंदा है। अब वो एक या नहीं, बट हमारा बंदा डाउन हो चुका है। यहाँ पे बुकोंग बन के पिता खड़ा है। तो गाइस मैंने बंदे को डाउन कर दिया है। वो शायद दूसरा बंदा उसके बंदे को डाउन रिवाइव कर रहा है, तो वो ही देखना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर रिवाइव कर दिया, बट मैंने एक बंदे को यहाँ पर बहुत डैमेज दिया और एक और डैमेज है। तो गाइस यहाँ पर एक बंदा डाउन है और दूसरा बंदा भी यहाँ पे सोनिया बन के डाउन हो चुका है। सो गाइस दोनों बंदे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, मतलब डाउन हो चुके हैं। और इसको मैं गाइस पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया है। और अब गाइस देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे 2 किल हो चुके हैं। और यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करके गाइस मेरा मन है कि यहाँ से निकला जाए ताकि और भी बंदे हैं उनको भी पेला जाए। सो अब यहाँ पर हमारा भाई डाउन हो चुके, तो इनको रिवाइव कर देते हैं। क्योंकि जिन्होंने डाउन किया उनके पास राफेल है तो ये ज़्यादा जल्दी मर जाते हैं। गाइस अभी यहाँ पे इनको रिवाइव करना ज़्यादा लाजमी समझा मैंने। और गाइस देखा जाए ना तो ये वेंडिंग मशीन वाले घर पे बंदा है और उधर रिवाइवल पॉइंट पे बंदा है। तो इधर से कोई कार से भी आ रहा था। तो गाइस यहाँ पे बंदे बहुत हैं तो अभी मेरे को किल अच्छे से मिल सकते हैं। सो यहाँ पे देखूँगा तो कोई बंदा है नहीं, बट यहाँ पर कोई बंदा कूद के जाया तो उसको मैंने डैमेज दिया। बट यहाँ पर गाइस बंदा अब जाके नॉक हुआ तो इसको मैं पूरा ख़त्म करूँगा। और यहाँ पर गाइस कोई बंदा मेरे को पीछे से डैमेज दे रहा था, मैंने इसको भी थोड़ा सा डैमेज दिया। और यहाँ पे गाइस बंदा ये भी डाउन है तो ये भी पूरा ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे गाइस हमारे हो चुके हैं इसी के साथ 4 किल। तो ऐसा लगता है गाइस ये गेम बहुत तगड़ा निकलने वाला है। तो गाइस वही देखता हूँ कितना तगड़ा ये गेम निकल सकता है। तो गाइस कुंडली तो पहले से ही ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं है, बट किल अच्छे निकलने से। यहाँ पर मेरा बुड्ढा पता नहीं नेट के चक्कर में शायद रुक गया था। बट यहाँ पर मेरा भाई नीचे डाउन हो चुका है, मैं उसे बचाने जाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं कूद ही नहीं पा रहा हूँ ग्लू वॉल लेके, और देखना पड़ेगा गाइस क्यों नहीं कूद पाया। सो अब यहाँ से कूद सकता हूँ। तो गाइस अब यहाँ पर मैं रिवाइव कर देता हूँ दोनों बंदों को। सो यहाँ पे मैंने दोनों बंदों को रिवाइव कर दिया। अब मैं देखता हूँ गाइस बंदे कहाँ पे हैं ताकि मैं उन्हें मार सकूँ। फिलहाल तो गाइस यहाँ पर कोई बंदा शो नहीं हो रहा है, तो मैं आगे जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कोई बंदा हो सकता है यहाँ पर। बट गाइस यहाँ पर तो कुछ मिला ही नहीं। ये लूट वूट के वगैरह भी 1000 टोकन तो हमारे पास है। और यहाँ पे गाइस कोई रिवाइव कर रहा है तो मैं वहीं पे जाता हूँ, देखते हैं गाइस कौन बंदा वहाँ पे रिवाइव कर रहा है। और हमारा भाई वहीं पे कूद रहा है तो देखना पड़ेगा कितने बंदे हैं और कितने हम लपेट सकते हैं। बट एक ही बंदा है गाइस, तो उसको भी गाइस ये उदय भाई ने लपेट दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कोई गाइस फेरी वाला रिवाइव कर रहा है, उस बंदे को भी मेरे को लपेटना पड़ेगा क्योंकि वो सिंगल बंदा है और वो पूरी टीम को रिवाइव कर देगा अगर मैं उसे नहीं मारूंगा। तो ऐसे गाइस हमारी रैंक में प्रॉब्लम आएगी। तो अभी उसको लपेट देते हैं, ये बंदा जा रहा है, यही है वो। तो गाइस उसको डैमेज तो दिया बट उसने ग्लू मार लिया। बट यहाँ पे लगता है गाइस और भी बंदे हो सकते हैं क्योंकि ये तो समझ में नहीं आ रहा। चलो गाइस उसको डैमेज, बट यहाँ पर मेरे को राइट से भी गोली पड़ रही है। चलो गाइस दिखा तो नहीं बंदा, बट ये वाला बंदा जरूर पीछे निकल गया, किधर गया समझ में नहीं आया। और यहाँ पे बंदा कहाँ है ये समझ में नहीं आया, इसलिए इधर से भी निकल जाते हैं, कोई मतलब नहीं है गाइस। और भाई वो दे रहा है तो देने दो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे उसे बाद में। अभी यहाँ से निकलना ज़रूरी समझता हूँ मैं, क्योंकि बाद में हमें दिक्कत आती है।
नहीं निकल पाते तो फिलहाल देख लेते हैं, अगर वो यहाँ पे मिलता है तो अपन उसे लपेट देंगे, नहीं तो अपन यहाँ से निकल लेंगे। बट यहाँ पे वो बंदा मेरे को दिखा तो नहीं, तो अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकल जाऊँ। तो अभी देखते हैं गाइस, इन लोगों को पड़ रही है, कोई बंदा मार रहा है, तो यहाँ से मैं जाके किल ले सकता हूँ क्योंकि वो इसी साइड बंदा है रोड में। तो वो बंदा मेरे को थोड़ा सा दिखा है, तो अभी मैं उसी को मारता हूँ। वो भाग रहा है तो गाइस उसको मैंने बंदे को डाउन कर दिया, और यहाँ पर मैं उसे पूरा ख़त्म करूँगा, पूरा ख़त्म भी मैं उसे कर चुका हूँ। तो ये लोग फिकर नॉट हो चुके हैं। अब गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे पास जोन जाने की, क्योंकि जोन बहुत दूर बना है और हमें जोन में तो जाना ही पड़ेगा। तो जोन देखते हैं गाइस कितना ही दूर है, मतलब बहुत दूर है। यहाँ पे चूहा जो है गाइस वहाँ पे जोन है, तो अभी वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे मेडी लगा लगा के हम जाएंगे, सो अभी आगे से मेडी लगाना शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कवर कम थी। सो अब गाइस हम थोड़ी सी मेडी लगा लेते हैं, वरना हमें आगे जा कर दिक्कत आ जाएगी। अभी मेडिकेट हमने लगा लिया, अब अपन यहाँ से लगातार भागते रहेंगे और जोन में जाके भी थोड़ी बहुत मेडी लगा ही लेंगे। वो देखते हैं गाइस अब क्या ही हो सकता है, क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा हैं और किल बहुत कम है, तो किल मिलना ज़रूरी है। किल नहीं मिलेगा तो दिक्कत आएगी, और किल मिलता है तो बहुत बड़ा मज़ा आ जाएगा। हम गाइस हमारे लेफ्ट में बहुत देर से बंदे हमें परेशान कर रहे थे, बट हमारे पास कोई मेडी नहीं है, जिस वजह से हम जोन के बाहर जा रहे हैं। और मेडी ना होने का कारण गाइस बहुत बड़ा है, क्योंकि हम फोन से अभी आए हैं तो गाइस बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब करके आए हैं। तो गाइस आगे भी बंदे हैं, पीछे भी बंदे हैं गाइस, देखना पड़ेगा हम कैसे जोन में चले जाते हैं। फिलहाल तो गाइस बहुत मुश्किल हो रही है, और यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे डाउन हो चुका है किसी एनिमी के द्वारा, तो इसको हम किल ले लेते हैं। तो इसको हम किल ले चुके हैं, जिससे कि हमें थोड़ी सी एचपी बढ़ी, बट ज़्यादा नहीं बढ़ी। सो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं। सो गाइस हम ऊपर जाके बैठ जाते हैं, हमारे दो टीममेट्स ख़त्म हो चुके हैं जो कि हो ही चुके हैं। तो अभी हमारे पास मेड ही नहीं है, तो हमें चुपचाप बैठना चाहिए। बट मेरा दिमाग चल रहा है गाइस पीछे वेंडिंग मशीन है वहाँ से रिवाइव देने का, क्योंकि गाइस रिवाइव दूंगा तो गाइस तीन बंदे बचेंगे, क्योंकि ये उदय भाई भी गाइस ऐसा लग रहा है पिट ही रहे हैं। तो गाइस वो मुश्किल है उनका बचना, जो एक तो जोन के बाहर है, चलो गाइस वो पिट भी चुके हैं। तो गाइस अब मेरा मन है कि मैं जाता हूँ रिवाइव देने, तो गाइस मैं यहाँ पर निकल रहा हूँ रिवाइव देने के लिए। और ये लोग रिवाइव हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो गाइस प्रो हूँ ही, निकल जाऊंगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। जोन तो वैसे भी है अभी, सो इनको रिवाइव देने के बाद, बट यहाँ पे मेरा नेट चला गया था, और यहाँ पे इनको रिवाइव कर देता हूँ। और तीनों के तीनों यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं, 500 वाले। अब यहाँ से अपन गाइस निकल जाते हैं, और अब देखना पड़ेगा गाइस कोई बंदा हमको चोट ना पहुँचा दे, क्योंकि हमारे पास मेडी तो वैसे भी नहीं है, और मेडी नहीं है तो गाइस यहाँ से बचना तो मुश्किल ही है। यहाँ पे बाईफोर्ड है, मेरा मन है गाइस बाईफोर्ड से निकलूँ, तो गाइस यहाँ पे मैं बाईफोर्ड के चक्कर में नॉक हो चुका हूँ, और ये बहुत गलत डिसीजन था। और यहाँ पे गाइस मेरे बंदे भी मर रहे हैं, मतलब मेरा रिवाइव करने का ही डिसीजन गलत था गाइस। यहाँ पे एक बंदा तो पिटा, देखना पड़ेगा ये क्या कर सकते हैं दोनों भाइयों। ये भाई भी रश मार रहे हैं, और यहाँ पे ये भाई भी पिट चुके हैं, यानी कि अब अकेला बंदा बचा है। अब ये भी क्या कर सकता है ये देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे इनका भी ऐसा लग रहा है कि ये भी पिटने ही वाले हैं, कि इनके पास भी बहुत ज़्यादा बंदे हैं, और आगे भी बंदे हैं, पीछे भी बंदे हैं, हर तरफ बंदे ही बंदे हैं। तो पोजीशन तो गाइस इस मैच में हमारी नहीं लग पाएगी। और कमेंट कीजिए गाइस ये भाई बूया दिला पाते हैं नहीं, और नहीं दिला पाते तो गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम समझो यार, और अगर दिला देते तो इससे अच्छी क्या ही बात थी। बट कोई ना गाइस, और यहाँ भाई के लिए लाइक तो बनता है गाइस, और यहाँ पर भाई ने एक बंदा डाउन कर दिया हेड हेड से, उसे ख़त्म भी कर दिया। बट भाई ये चीज़ भूल गए कि उनके पास नेड आ चुका था, और आधी एचपी गई, और अब गाइस इनका रश भी आने वाला है, और ये मेडिकेट गलत कर रहे हैं, यहाँ पे इनको नीचे निकलना था। बट थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।